News 18, India. और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार बेहद दुखी है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। कुल जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयां है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद का पार्टी है। तो तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, पटना में सियासी हलचल बहुत तेज है, बैठकों का दौर लगातार जारी और किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला आ सकता है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू तीनों पार्टियों की अलग अलग बैठक हुई। देखिए, जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई, आरजेडी की बैठक तेजस्वी यादव के घर पर फिलहाल चल रही है, वहीं बीजेपी की बैठक प्रदेश कार्यालय पर चल रही है और ये तीनों महत्वपूर्ण बैठकें हैं। कभी भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आज शाम को राजभवन नीतीश कुमार जा सकते हैं और इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जा सकता है। हालांकि एक तरफ आरजेडी की बात करें तो वो भी लगातार ताल ठोक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है कि अभी हमने अपना तुरुप का एक कप फेंका नहीं है, अभी इंतजार करिए। तो आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर आग बबूला है। आरजेडी नेता विनोद जायसवाल ने तो नीतीश को खूब भारी खोटी सुनाई है और यहां तक कह दिया कि बार बार पलटी मारना किसी को शोभा नहीं देता है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जेडीयू का मुसीबत आएगा। और वहीं जेडीयू के केसी त्यागी कांग्रेस पर भड़क उठे हैं और कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। तो वही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बहुत बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से 2 से 3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार की तरफ से कॉल बैक आया, लेकिन तब खड़गे किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक तरफ ऐसी चर्चाएं थी कि सोनिया गांधी हो सकता है कि नीतीश कुमार को फोन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जानकारी जयराम रमेश की तरफ से दी गई कि खड़गे ने जो है फोन किया नीतीश कुमार को, हालांकि पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल बैक जरूर किया, लेकिन खड़गे से फोन पर बातचीत नीतीश कुमार की नहीं हो पाई क्योंकि वो किसी सभा को संबोधित कर रखे हैं। अब ऐसे में एक तरफ लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार फोन नहीं उठा रहे, जो जानकारी आरजेडी की तरफ से दी गई है कि 4 से 5 बार नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार अरुण हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरुण, अगर हम पिछले कुछ घटनाक्रमों को उठाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने जब नाता तोड़ा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कोशिश कर रही है पार्टी को तोड़ने की। जब ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया, तब भी उनके ऊपर यही आरोप लगा था कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सबसे आसान तरीका हो गया नीतीश कुमार के लिए किसी को पद से हटाने का या कोई गठबंधन तोड़ने का? देखिए, कोई भी फैसला जब लेता है नेता तो पहले ग्राउंड तैयार करता है, उसके लिए तर्क तैयार किए जाते हैं और तर्क कई बार नेचुरल होते हैं और कई बार गढ़े जाते हैं। नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं तो तर्क गढ़ते हैं। कैसे? इसके पहले जब उन्होंने कहा तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं वो सफाई दे, उसके बाद फिर दोबारा जब गठबंधन में गए तब तेजस्वी यादव से उन्होंने सफाई नहीं मांगी। तो इसका मतलब पहले का जो उनका तर्क था वो उस समय के हिसाब से था, बाद का जो तर्क है उस समय के हिसाब से है। बीजेपी छोड़ना है तब वो कहेंगे कि बीजेपी मेरा अपमान कर रही है, बीजेपी हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है, और जब बीजेपी के साथ जाना है तब देखिए किसी नए तर्क के साथ वो आएंगे। तो राजनीति में जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसे जायज ठहराने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं, वोटरों और कैडर को संदेश देने के लिए आप तर्क गढ़ते हैं, तर्क बनाते हैं, और नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। अगर नहीं होते तो 2005 से लेकर अब तक लगातार उन्हीं के आसपास सत्ता की धुरी क्यों घूम रही है, वही मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, बीच में एक प्रयोग किया उन्होंने। और देखिए,
जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया क्यों था मुख्यमंत्री, इसलिए क्योंकि चुनाव में हार गए हम, बीजेपी जीत गई। एक बार 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा क्यों बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, प्रधानमंत्री अब जो है उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो ये तर्क गढ़े और किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और समझाए जाते हैं, और अपने हिसाब से अरुण इन तर्कों को इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन हम चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रमोहन का भी रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, केसी त्यागी का एक बयान बार बार हमारे सामने आ रहा है, ये भी इस पर भी नजर बनाना बहुत महत्वपूर्ण। वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन में गठबंधन जैसा कोई भाव ही नहीं रहा, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार का मन खट्टा हो गया हो? बिल्कुल, देखिए उससे पहले एक आपको अभी ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे, जिसमें जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर आरजेडी पर हमला करते हुए यह कहा है कि आरजेडी नेतृत्व बेचैन है। इसके पीछे वजह यह है कि उनका हमेशा आदत रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जेडीयू के तरफ से यह बड़ा हमला आरजेडी के ऊपर किया गया है, जिसका आरोप लालू परिवार पर कई सालों से लगते रहा है। और यही बात जेडीयू के तरफ से पहले भी कहा जाता रहा है जब वो गठबंधन में नहीं है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब जो है वो खाई इतना बड़ा हो गया है कि अब साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार 7 बजे के करीब राजभवन पहुंच सकते हैं। तो जो अभी नीरज कुमार का बयान आया है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से अभी नीरज कुमार ने यह कहा है कि इन लोगों का आदत रहा है, और इन लोगों की आदत में यह शुमार है कि ये लोग जब नौकरी देते हैं तो उसके बदले जमीन लिखवा लेते हैं, तो यह सीधे तौर पर लालू परिवार के ऊपर हमला किया गया है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और अब आरोपों की बौछार की शुरुआत जो है वो जेडीयू की तरफ से हो चुकी है। लेकिन चंद्रमोहन एक और बात समझाइएगा, अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें, दिग्गज नेता है, बड़े नेता है बिहार के, और हमने कई बार देखा है कि ऐसी परिस्थिति पहले भी आ चुकी है जब लालू यादव संभालते हुए नजर आते हैं पार्टी को। इस बार लालू यादव की तरफ से कहा गया अभी हमने तुरुप का इक्का इस्तेमाल नहीं किया है, 79 सीटें है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। ऐसे में क्या कोई आस अभी भी लालू प्रसाद यादव के पास बची है? बिल्कुल, देखिए सिर्फ अभी आरजेडी के तरफ से दबाव की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन अब तक ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो पहले वो चारों तरफ से ये पुख्ता कर लेते हैं कि कोई उनको परेशानी तो नहीं हो जाएगी अगर ये कदम उठाते हैं तो। और उससे पहले वो सभी अपने विधायकों से मिल चुके हैं, एक एक आदमी से राय ले चुके हैं, और अब से थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें भी सभी लोगों से जानकारी ले ली गई है। तो नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं पहले चारों तरफ देख लेते हैं, आजमा लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो एनडीए गठबंधन में ऐसा होते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुबह सुबह ही आज दावा किया गया कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन ये बहुमत का आंकड़ा कहाँ से आएगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल लालू यादव ने अपने दूत को जीतन राम मांझी के घर पर भेजा था, जो कि लेफ्ट के विधायक है। दो विधायक जीतन राम मांझी के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर वो पार्टी के साथ महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और साथ ही एक और मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन वो पुख्ता होते हुए नहीं दिख रहा। और बिल्कुल, और इसलिए भी नहीं दिख रहा है, देखिए अशफाक करीम जो कि आरजेडी से सांसद हैं, उनकी ओर से एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच जो रिश्ता था वो टूट चुका है, जिसका मतलब यह है कि तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ साथ नहीं है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच सियासी तकरार बढ़ गई है। जेडीयू के नेता जहां नए गठबंधन में शामिल होने का इशारा दे रहे हैं तो वही आरजेडी के नेता इसे धोखा बता रहे हैं। समाजवादी लोग और समाजवाद में हम लोग बड़े उदार होते हैं, और उदार जब होते हैं और विश्वास भी बहुत करते हैं। हमारे साथ लोहिया जी से लेकर करके आचार्य नरेंद्र देव से लेकर करके चंद्रशेखर जी तक, राजनारायण जी तक, सब लोगों, कर्पूरी ठाकुर तक, लोगों ने लोगों को मिलाने का काम। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व के अंदर में एक शीर्ष स्थान को प्राप्त कर रहा है। बिहार में 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनी थी तो पूरे बिहार के अंदर में पुल, पुलिया, सड़क का जाल बिछा था। पहले कहीं रोड नहीं थी, आज आप देख लीजिए हर जगह पुल, फोर लेन है। आरजेडी के साथ उनकी न जाने क्यों ट्यूनिंग उतनी नहीं बन पा रही थी, उतनी वो अपने आप को
फ्री हैंड नहीं महसूस कर पा रहे। तो अगले 24 घंटे का इंतजार करना होगा, तस्वीर तब साफ होगी। कहा जा रहा है शाम 7 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से चंद्रमोहन बता रहे हैं कि कल अपना दूत जो है लालू यादव ने जीतन राम मांझी के पास भेजा था, क्योंकि एक वक्त तो वो भी था जब जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा साथ में खाते हुए नजर आते थे, वो भी दोस्ती थी। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए आएंगे लालू यादव के साथ? देखिए, दोस्ती राजनीति में अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। सत्ता के हिसाब से समीकरण बनते हैं और एक दूसरे की जरूरत होती है। किसके वोट बैंक के साथ आपके कार्डर जाएंगे, आप लोकसभा में ज्यादा सीटें कैसे जीत पाएंगे, विधानसभा में किसके साथ समझौता करने से फायदा होगा, इन सब बातों को ले राजनीति में बहुत ज्यादा इमोशन नहीं चलते। राजनीति में फैक्ट चलता है और वोटरों की नब्ज तलाशनी पड़ती है और उसी हिसाब से फैसला लेना पड़ता है। हो सकता है जीतन राम मांझी कभी लालू यादव घर दही चूड़ा खाने आए थे, वो तो नीतीश कुमार भी आए थे, लालू यादव भी कई बार जाते हैं। इन सब चीज़ों से राजनीतिक भविष्य तय नहीं होते और गठबंधन तय नहीं होते हैं। ये जरूर बात है कि आज जो जीतन राम मांझी हैं उन 4 विधायक उनके पास हैं और वो बार्गेनिंग सिचुएशन में हैं, दोनों को जरूरत है। हालांकि बीजेपी और अगर नीतीश एक साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्थायित्व मांगती हैं पार्टियाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए रहे तो बुरा क्या है। आप देखिए कई राज्यों में पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी विधायक होते हैं तो भी दूसरी पार्टी और इसीलिए अरुण आज जीतन राम मांझी की पूछ और ज्यादा बढ़ गई है। जेडीयू नेता आलोक कुमार सुमन ने कहा है कि राज्य और देश हित में जो भी जरूरी होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बहुत चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ता है, तो ये अपने राज्य के विकास के लिए ये जरूरी जब पड़ता है, जब जरूरत महसूस होती है कि ऐसा करना जरूरी है तो इस तरह का समय आता है और गठबंधन बनता है और गठबंधन बदलता भी है। लेकिन मैं अभी नहीं आपको कह रहा हूं कि गठबंधन बदल रहा है, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक लगातार जारी है और इस बीच जेडीयू का लाली परिवार पर बहुत बड़ा हमला, जमीन के बदले नौकरी के मामले में जेडीयू का हमला। नीरज कुमार की ओर से कहा गया है कि नौकरी के बदले जमीन लेना इनकी आदत है। लैंड फॉर स्कैम मामले का जिक्र करते हुए जेडीयू की ओर से लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा हमला बोला गया है, जिसमें उनके लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, साथ साथ पति राबड़ी देवी और मीसा भारती, इन सभी का नाम था। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जेडीयू का हमला यह है कि नीरज कुमार नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। इसी पर सीधा चंद्रमोहन, जेडीयू की ओर से अब तो आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी भी होने लगी है। बिल्कुल, देखिए ये बयानबाजी नहीं है बल्कि मोर्चा खोल दिया गया है और जिस तरह से नीरज कुमार का बयान आया है साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। सीधे लालू परिवार पर हमला किया गया है नीरज कुमार की ओर से, तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या अब आगे दोनों महागठबंधन में एक साथ रहे। चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौट रही हूं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, क्या से क्या हो गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि आज शाम को 7 बजे इस्तीफा दे सकते हैं, क्या धोखा जैसा फील नहीं हो रहा? देखिए, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। ये आप जान लीजिए कि जो समय है वो समय जी, इस समय का इंतजार लोग जिस तरह से जनता देख रही है, इस पर सारा जनता जनार्दन ही इस पर अपना फैसला सुनाएगी और मोहर लगाएगी समय आने पर। जनता से बड़ा मृत्युंजय जी चंद्रमोहन बोल रहे हैं जी, मृत्युंजय जी चंद्रमोहन बोल रहे हैं। अभी नीरज कुमार ने ये कहा है कि आप लोगों के पार्टी के आदत में सुमार है, आप लोग नौकरी देते हैं और उसके बदले जमीन लेते हैं। सीधे तौर पर हमला लालू परिवार के ऊपर है नीरज कुमार का, किस तरह से इसको देखते हैं आप? बिहार में नौकरी दी गई तो किनका जमीन लिया गया? राजनीतिक जमीन अगर किसी की खिसक रही है तो उनको चिंता सता रही होगी। हम समझते हैं कि हमारी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि हमें किसी से लेने की सहारा जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए लालू परिवार के ऊपर जो आरोप पहले रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर आरोप लग रहा है, आरोप लगा था, उसमें अभी केस भी चल रहा है, मुकदमे भी चल रहे हैं और उसी को लेकर नीरज कुमार ने सीधे तौर पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके नेता के ऊपर हमला बोल रहे हैं, क्या लगता है कि आगे आप गठबंधन चल पाएगा?
मृत्युंजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, दोबारा हम बात करेंगे मृत्युंजय तिवारी से, लेकिन देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर क्लियर कट ये नहीं बताया जा रहा कि महागठबंधन टूटने के बाद आखिरकार आरजेडी की तरफ से वो कौन सी बात होगी जिसका इस्तेमाल, जो तुरुप के एक एक इस्तेमाल की बात कही जा रही है, आखिर वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, मृत्युंजय तिवारी से आपने महागठबंधन के टूटने की बात कही, हालांकि उस वक्त तक उनका फोन कट गया था, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार दर्शकों को जरूर सुना देते हैं नीरज कुमार का वो बयान जिसमें वो लालू परिवार पर सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं, सुनिए। राजद नेतृत्व बेचैन है, बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। गेस्ट हाउस पहुंचे, वहां उन्हें हिरासत में रखा गया, लेकिन इसके बाद जोरदार हंगामा हो गया क्योंकि उन्हें हिरासत में लेने की जानकारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंच गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। वो गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए, वहां कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने हिरासत में रखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनप्रतिनिधि को बिना वजह हिरासत में लेने के खिलाफ नाराजगी जताई और वो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही नीरज शर्मा का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ गेस्ट हाउस से बाहर ले जाते नजर आए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दखल के बाद वहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका। बताया गया कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए फंड न मिलने की वजह से नीरज शर्मा नाराज थे। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक पानी की टंकी के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। ये पूरा बवाल तब हुआ जब उस पानी की टंकी के लिए जगह देने वाले कांग्रेस नेता को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। इसी बात पर कांग्रेस के समर्थक भड़क गए। इसके बाद विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्घाटन समारोह में पहुंच गए और जैसे ही पुलिस के लोगों ने उन्हें आगे जाने से रोका, वो लोग उनसे ही भिड़ गए। कुछ लोग तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतर आए। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पुलिस वालों के साथ बहस करती दिखाई दी। उनमें एक आदमी तो पुलिस के एक अधिकारी को उंगली दिखाकर उन पर भड़कता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी उन लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, उनसे हंगामा रोकने और वहां से लौटने की अपील भी की गई।